अरे भैया लग रहा है छूट गए थे। जनरल क्लास ना पूरा पैक हो चुका, मतलब कैसे कैसे बाहर आए हैं बस। अरे भैया बैग रखा है ऊपर, दिखाएंगे कहा। गिरेगा। एवरीवन गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत मेरे कॉर्नर ब्लॉग में, और आपका स्वागत है असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे ना गुवाहाटी में धूप काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चेहरे पे लगी हुई धूप ना तो आपको समझ आ रही होगी, बट इसको छोड़ते हैं। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देखें आप लोग ना, काफ़ी बेहतरीन रेलवे स्टेशन है, मतलब कि पार्क वर्क बैठने के लिए बहुत ही, मतलब कि एक नंबर रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। और ये देख सकते हैं पीछे में स्टीम लोकोमोटिव रखा गया है, ऐसा स्टेशन इतना बेहतरीन है ना, क्या ही बताने को। और बता दे तो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15653 गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में बस एक दिन चलती है, यानी कि वेडनेसडे को गुवाहाटी से जम्मू तवी के लिए। और ये कुछ है एंट्रेंस अंदर का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का, एक नंबर ये भी है। ऊपर से असम के टी गार्डन फोटोज हैं, और ये सामने मास्क ऑफ असम, और उधर भी कुछ है। यहाँ पे फ्रेम में है असम के कुछ डांस, ये बिहू डांस है देख सकते हैं। और सो गाइस बता देना, तो इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन अपना गुवाहाटी था, और ये उसका कुटवर बीच है। सो गाइस बता देता, आज हम लोग की जर्नी होने वाली जनरल क्लास में, हमेशा की तरह चलते हैं अंदर। देखिए कुछ ऐसा है जनरल क्लास का इंटीरियर, अभी जैसे ट्रेन आई है लाइट वाइट भी नहीं ऑन है, और यहाँ पे हमने बैग रख दिया है इमरजेंसी विंडो पे, वीडियो बनाने में सही रहता है, यहीं बैठ के सफर करेंगे बस। और अगर साफ सफाई की बात की जाए तो साफ सफाई बढ़िया है जनरल क्लास का भी। तो भाई फाइनली अपनी अमरनाथ एक्सप्रेस निकल चुकी है बिल्कुल ऑन टाइम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। गुवाहाटी से 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कामाख्या जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KYQ। और बता दो कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने जाने के लिए ना सबसे नियरेस्ट स्टेशन यही है कामाख्या जंक्शन, लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर है। और कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन बात करें तो 78 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, 18 ट्रेन यहाँ टर्मिनेट होती हैं और 18 ऑरिजिनेट होती हैं। और ये आता है नॉर्थ ईस्ट 20 रेलवे में और लमडिंग डिवीज़न में। ये रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 2017 में, और अंदर का जनरल क्लास ना पूरा पैक हो चुका है, मतलब कैसे कैसे बाहर आए हैं बस वीडियो बनाने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हॉल्ट पे क्या होता है। और बता दे तो अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है बिल्कुल ऑन टाइम, और अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। कामाख्या जंक्शन से वाली लाइन चली जाएगी ग्वालपारा टाउन होते हुए न्यू बंगाई गांव, और हम लोग ट्रेन जिसपे जा रही रंगिया होते हुए न्यू बंगाई गांव। तो
हुआ जब आने वाला है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि रेल कम रोड ब्रिज है, तो चलिए वो देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा ब्रिज, सरायघाट ब्रिज, ब्रह्मपुत्रा रिवर। चाय कॉफी चाय सिंगारा समोसा। फाइनली हम लोग समोसा ले लिए हैं, 30 का 3 दे रहे थे तो 2 हम लोग ने 20 का ले लिया है। तो जनरल क्लास में तो एक साथ तो खा नहीं सकते हैं। खा वसूली शुरू हो गया। सो गाइस देख लीजिए, ठंडी लगा था क्या? स्वेटर रख ले बड़ा, हाँ बैग में स्वेटर आई बांध ला काने में। तो गाइस अभी शाम के लगभग 4:50 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन न्यू बंगाई गांव से पहले बिजली रेलवे स्टेशन पे लगभग 10 मिनट से रुकी हुई है, पता नहीं क्या रीज़न है। और कोई ट्रेन का क्रॉसिंग भी नहीं है, इससे पहले वाली स्टेशन पे रुकी थी आधे घंटे तक, वहां भी कोई ट्रेन का क्रॉसिंग नहीं हुआ। और यहां भी 10 मिनट हो चुके हैं, यहां भी कोई क्रॉसिंग नहीं हुआ। और धीरे धीरे शाम भी हो चुकी है, देखते हैं कब तक खुलती है। सामने सिग्नल ग्रीन है, कोई ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली थी तभी अपनी ट्रेन रुकी थी और ट्रेन भी आ चुकी है। आइए क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको, ये देखिए बहुत ही हाई स्पीड में कौन सी ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। कौन सी ट्रेन थी उसका नाम तो पता नहीं चला क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड में निकली है और नेक्स्ट स्टेशन पे भी नहीं शो कर रहा है। अगर आप लोग का आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अपना सिग्नल भी हो चुका है, ट्रेन यहाँ से अपनी रवाना होगी। बस यही क्रॉसिंग के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुक हुई थी। धर्मेंद्र कुमार, और कहाँ 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 गए हो अभी तक? मुंबई और दिल्ली गए हैं। और मुंबई दिल्ली असम कोलकाता। मुंबई में क्या घूमे हो? क्या जैसे बताओ, जैसे बताओगे कुछ? अरे बताओगे
शर्मा रहे हो ना कैमरा के सामने, चलो ठीक है। तो भाई एक चीज अच्छी है कि इस ट्रेन में जब से ट्रेन खुली है गुवाहाटी से, तब से रेल नहीं पानी मिल रहा है, लोकल पानी भी पानी मिल रहा है। अगर लोकल मिलता तो फिर चलते पेंट्री कार में मैनेजर के पास, लेकिन रेल नहीं मिल रहा है। सही है ना, रेल नहीं मिल रहा है। रेल कितने का आता है? 15-20 नहीं, 15। तो सुबह 156 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी अमरनाथ से पहुंच चुकी है अपने थर्ड हॉल्ट यानी कि न्यू बंगाईगांव जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड NBQ। और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है 1 आवर 15 मिनट डिले, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। अगर न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन बात करें तो 124 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, और यहाँ से 5 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, 5 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है। और इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और ये आता है अंडर रंगिया डिवीजन। न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन बारे में एक और खास बात बता देना, ये भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो रिवर के ऊपर बना हुआ है, और उस रिवर का नाम है तुनिया रिवर। और दादा ठंडी लग रहा है? हाँ ठीक है। और बता दे तो न्यू बंगाईगांव में 7 प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार से 1A 1B 2 3 4 5। अरे भैया बैग रखा है ऊपर गिराएंगे का? ट्रेन खुल गई, ट्रेन खुल गई, चलो 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 भाई, ट्रेन खुल गई है। तो भाई फाइनली ट्रेन 10 मिनट भी नहीं रुकी, क्योंकि 5 मिनट रुकी और ट्रेन खुल गई, क्योंकि पहले से इतनी लेट थी ट्रेन तो कहाँ से रुकेगी। मैं सब जनरल क्लास से पूरा पैक हो चुका है एकदम, ये देखिए ना भैया, बंगाईगांव में तो एकदम और भर गया। अरे भैया आप छूटे थे क्या? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, छूट गया गाड़ी हो, चलो 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 आ जाइए आ जाइए। अभी बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिपार्चर हो रहा है। लेडीज को बैठना चाहिए भैया भैया भैया, अरे गाड़ी जोड़ दिया चप्पन, गाड़ी जोड़ दिया चप्पन, गाड़ी जोड़ नहीं भैया, थोड़ा सा आगे हो जाइए ना। क्या बाबू क्या हुआ? मारपीट हो गया। कैसा मारपीट हो गया बताओ बताओ, कैसा हुआ बताओ उनको थोड़ा। बैठने का वजह से, बैठने की वजह से। आप खड़े हो गया तो उनका पढ़ा तो आप खड़े हो। क्या अभी स्टेशन आया था बैठने वजह से हो गया? अच्छा तो सो गाइस जनरल क्लास में अभी बंगाईगांव रेलवे स्टेशन आया था ना, वही बैठने उठने के लिए सीट उठ के लिए थोड़ा लफड़ा उफड़ा हो गया है, वही सब बात चल रहा है। अब ऐसे डिपार्चर हो चुका है, डिपार्चर देखिए आप लोग। सो गाइस क्या ही डिपार्चर हो रहा है, देख रहे हैं कर्व के साथ डिपार्चर हो रहा है। चार आदमी बैठता है, चार छह लोग भैया, छह लोग आप लोग दिक्कत में बैठ गएंगे बात अलग है, लेकिन अशोक जो रिवर है ना वो कुछ उस साइड के साइड है, उधर के साइड। दिन रहता तो दिखाते, पहले एक वीडियो हमने सरायघाट एक्सप्रेस में ट्रेन जर्नी की है उसमें हमने दिखाया है।
न्यू कुछ बिहार किलोमीटर डिस्टेंस रिटर्न पहुंच चुके हैं पांचवें न्यू कुछ बिहार। और यहाँ से हम लोग का स्टेट भी चेंज हो चुका है और डिवीजन भी चेंज हो चुका है। स्टेट में हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल और डिवीजन अपना आ चुका है न्यू अलीपुर द्वार। इतनी बाहर भीड़ है ना कि हम बाहर नहीं उतर पा रहे हैं, पूरा गेट फुल पैक है, बाहर नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए इमरजेंसी विंडो से बनाना पड़ रहा है। और न्यू खाना वाना मिल जाएगा, बिरयानी उरयानी रोटी सब्जी सब अवेलेबल है न्यू कुछ बिहार में। सुबह जो अंदर वाला सीन देखें वो अंदर बैठ के मेरे जस्ट सीट के जस्ट सामने मतलब कि अंकल जी थे, तीन लोग थे, पानी पानी तीनों लोग बैग में से निकाले हैं, फिर निकाल के शुरू हो गया। क्या ही बताया, ट्रेन चल रही है, चलती ट्रेन में ये सब हो जा रहा है। वैसे तो अलाउ नहीं है साथ में ले जाना, बट ये लोग लाए और फी भी लिए, ये सिस्टम था, क्या ही कर सकते। क्लास में इतनी भीड़ थी, कोई देखने वाला था नहीं, ना आरटीएस बिस्कुट था ना कुछ। चलो भैया खाना लेने गए, भैया एक खाना दीजिए, खाना अंडा चाल मछली चाल सामने गए भैया। कितने का है? अच्छा रोटी सब्जी वाला रोटी खाना, रोटी सब्जी वाला रोटी सब्जी पानी पानी कैसे ले लें? दो लीटर की चाल प्याज मांगी, दो रुपया प्याज दीजिए, प्याज ये दूसरा नोट दीजिए, कलर लगाया दूसरा दीजिए, कलर एकदम चलेगा, टोपी टोपी प्याज हमको दीजिए। फाइनली हम लोग ये रोटी सब्जी ले लिया था, ये 30 का हम लोग को पड़ा है 5 रोटी। अपना छोटा भाई भी लिया है पीछे वाला, ये भी खा रहा है मस्त, खा के एक बार तब रिव्यू बताएंगे खाना कैसा है कैसा नहीं है। और ट्रेन भी रवाना हो चुकी है। अशोका जी के सामने जो देख रहे हैं दक्षिण भारतीय जलपान, यहाँ डोसा एकदम एक नंबर मिलता है। कुछ दिन पहले आए थे ना तो खाए थे, अभी तो हम लोग पीछे थे, टाइम ही नहीं मिला खाने का, लेकिन आप आइएगा जरूर ट्राई करिएगा, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे। घर से खाना लेके आए थे अपना खा पी लिए, हम लोग बाहर से खाए थे, रोटी थी कागज के जैसी, कागज की जैसी एकदम पतली पतली रुमाल जैसी थी। चलिए ठीक है, मिलते हैं एनजेपी में। तो बाबा ना दुनिया बाबा, ए बाबा ठंडी लग रहा है, ठंडा लगे तो बैठा कहाँ जा पड़ा, जैसे लगे थे ज्यादा घूमा मत, ठंडा उंडा लग जाये तो ठंडा ना ना जुगाड़ खो दिया गरमाई वाला। बैठो बैठो बाबा बैठो, पानी पीबा मेरे पूरा दरिया खुला भैया, शांतिपुर जलखाना है शांति में रहते हैं, फिर कह रहे हैं भूतनाथ में रहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा डब्बा का तुम बता दो, सर का छोड़ो तुम डब्बा बताओ किस चीज का, इस चीज का उसमें क्या चीज रहता है डब्बा, ये डब्बा जो है ये डब्बा जो है ये कौन कंपनी का,
कौन सा मूवी तारक ने ट्रेन में डालने वाला है? नदी आगे क्या? अच्छा ये बताओ, ब्रिजवा से भीतर घुसते हो ना? सारी का सुना दो। पवन सिंह का? पवन सिंह का सुना दो। सुना दो 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 अरे आशा देवी सुना ना, अभी दोपहर में तो ला रहे थे कौन सा फसरी वाला है। अरे अरे आग क्यों बंद कर रहे हो? आग क्यों बंद कर रहे हो? आग खोल के बात करो ना, टोपी निकाल के बात करो ना। अरे क्या बात है, क्या बात है, लड़का शर्म कर रहा है। अरे लड़का शर्मा रहा है। दुल्हनिया चाहिए क्या? ट्रेन में खोज दे, ट्रेन में खोज दे, ट्रेन में कर दे क्या? तो देख ला, देख पसंद आई, देखो देखो तो ढाक लिया। अरे उठो तो इसका सर तो गिर जाएगा, सर फूट जाएगा। कैसे गिरेगा? गिरेगा कैसे? गिरता नहीं, ट्रेन चलता इधर गिरेगा नहीं क्या? अरे भाई नहीं गिरेगा, गिरेगा तो हम लोग हाल यहाँ पर सर टूट जाएगा। लेकिन दवाई कराएगा लोग का है उसमें? अब नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, चलो सही है, अभी सही होगा। भैया चलो यार उतरने दो, अरे यार भाई उतरो। सो भाई फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि बरौनी जंक्शन, और रात को हम लोग सो गए थे क्योंकि रात इतनी भीड़ थी, जनरल क्लास में हम लोग देखे तो स्टेशन कवर करना उतना मुश्किल नहीं था, जिसमें से हम लोग सो गए। और अगर जर्नी में उसकी बात करें तो भाई साहब ऑलमोस्ट 24 या 25 आवर की जर्नी थी जनरल क्लास में। भीड़ भाड़ तो देखे ही आप लोग ने कितनी थी, कभी कोई चिल्ला रहा था, कभी कुछ, मतलब रात भर परेशानी थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि स्टेशन तब तक कवर नहीं कर पा रहे थे। तो ऑलमोस्ट यही था जनरल क्लास की जर्नी। और अपने आज मकसूद भाई भी मिल चुके हैं, गुड मॉर्निंग भाई, का आज बर्थडे भी है, तो चलते हैं बरौनी गोदिया एलएचबी में। नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा जो होगा, बर्थडे सेलिब्रेट उसमें होगा तो देखिएगा। तब तक हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं पेंट, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।